नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। विकास की एक नई बहार भी लेकर के आया है। जो क्षेत्र पहले बंजर रहता था, अव्यवस्था का शिकार होता था, जहां फसल नाम मात्र की हो पाती थी, आज वहां पर बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। यह उद्योग उसका एक प्रतीक के रूप में हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हालात नहीं थे। स्थितियां कठिन थी, कानून व्यवस्था के हालात बदतर थी, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी और उन स्थितियों में कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन उद्यमियों ने पहले से अपना निवेश किया था, जब वे ही सुरक्षित नहीं थे तो नया निवेश कहां से आता, जो थे वही प्लान कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे, उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश का सरलीकरण करने का प्रयास किया, युवाओं को पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जोड़ करके उनको विकास के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आपने फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में अब तक इस वर्ष हमें 38 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। भाइयों बहनों, 38 लाख करोड़ का मतलब आप जानते होंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। आप सोचिए, जो नौजवान पहले नौकरी के लिए मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, हैदराबाद जाता था, चेन्नई जाता था, कोलकाता जाता था, आज उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जोड़ करके जब वो यही लगाएगा, उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है। नौकरी और रोजगार की गारंटी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें उस रूप में पारंगत करना यह महत्वपूर्ण है और उसी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए ही आज यहां पर मैं फिर एक बार आया हूं। यहां पर हमारा प्रयास होना चाहिए। मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है, पहले भी कहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार आईटीआई को, पॉलिटेक्निक को, यहां के डिग्री कॉलेजेस को, उस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ, डिप्लोमा कोर्सेज के साथ जोड़ करके फिर उन नौजवानों को अगर हम उस रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसमें सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम का भी लाभ लेते हैं, तो उद्योग पर भी भार कम पड़ेगा, योजना भी सफल होगी और साथ साथ हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार पाकर के परिवार खुशहाल होगा तो समाज खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा तो प्रदेश और देश समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। यह उसी की श्रृंखला है, वही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है और उसी प्रयास की श्रृंखला में आज हम सब यहां पर आए हैं। यहां पर सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के, ज्ञान डेयरी के इस कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने के लिए आज यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, यहां पे तो डेयरी लग रही है, दूध तो खरीदा जाएगा, अब इसके बाद नंबर आएगा कि 1 लाख परिवारों में गाय और भैंस आ जाए,
इसके लिए उन्नत नस्ल के गाय और भैंस को रखना। आप सोचिए, दूध का फैट के हिसाब से पैसा मिलेगा और 53 रुपए के हिसाब से डेयरी दूध ले रही है, 53 रुपए लीटर के हिसाब से। लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई देगा, ये लोग दूध खरीदेंगे और उसको खरीदने के बाद फिर उस दूध को दूध के रूप में पैकिंग करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 1 लाख परिवार सीधे सीधे रोजगार के साथ जुड़ेगा। दूसरा, उन गाय और भैंस के लिए अच्छा पौष्टिक आहार मिले, इसका भी उद्योग लगेगा। उसके लिए किसान की उपज को भी ये लोग खरीदेंगे, भूसा है, धान है, जौ है, मकई है, सरसों है, गन्ना है, और भी जो चीजें हो सकती हैं, इन सबको खरीदेंगे, उसका भी दाम किसान को अच्छा मिलेगा। और साथ साथ नौजवानों को जहां पर इनका फीड का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, वहां पर भी लोगों को नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं बनेंगी। यानी एक साथ एक उद्योग लग रहा है तो अपने साथ अगल बगल अन्य कैसे उद्योगों को अपने साथ जोड़ करके एक चेन बना रहा है, जो उद्योग की एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको भी सकारात्मक होना पड़ेगा। विकास में बाधक बनने की बजाय, जो लोग बाधक हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, उन लोगों को से सावधान रहते हुए हमें उद्योग को चलने देना चाहिए। व्यवसाय की सुगमता सरकार दे रही है, सुरक्षा सरकार दे रही है, उद्योग लगाने के लिए सरकार इंसेंटिव भी दे रही है, निवेशक निवेश कर रहा है, यूथ को ट्रेनिंग के साथ जोड़ रहा है, कौशल विकास के साथ जोड़ रहा है, तो समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी एक सकारात्मक भाव के साथ इस प्रकार के निवेश का स्वागत करें। और आज तो सहजनवा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता वहां पे, आज यहां पे अभी पिछले दिनों में तत्वा प्लास्टिक के शिलान्यास के उद्घाटन कार्यक्रम में आया था, इससे पहले क्योन डिस्टिलरीज के शिलान्यास में आया था, और आज ज्ञान डेयरी के अत्याधुनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं आया हूं। आज के इस अवसर पर यहां पर तेजी के साथ औद्योगिक निवेश के वातावरण को हम और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ। आज जो गोरखपुर में ढेर सारी संभावनाएं बनी है विकास की, निवेश की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसके साथ ही बहुत सारी संभावनाएं बन रही। गीड़ा का विस्तार हो रहा है, जो गीड़ा पहले यहां पर सैजनवा के कुछ गांवों तक सीमित था, आज हम इसका विस्तार करते करते धूलिया पार तक लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ उसके दोनों तरफ उद्योग लगेंगे, तो यह उद्योग ढेर सारे नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। एक कार्य जो प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ सदैव बनाए रखना पड़ेगा, एक कि किसी भी स्थिति में किसी भी उद्यमी को कोई संकट न हो, कोई कष्ट न हो, इस पर ध्यान देना। लेकिन साथ साथ स्थानीय युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना अच्छा हम दे पाएंगे, बुनियादी सुविधाएं, वहां पे यूरिनल है, टॉयलेट की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हो सकती हैं, ये इंडस्ट्री के साथ मिलकर के हम सबको इसको और बेहतर बनाना चाहिए। ज्ञान डेयरी को इस नए प्रोजेक्ट के लिए हृदय से बधाई। सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इस डेयरी के प्राप्त होने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं और विजयदशमी की भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।